सर्च कीजिए मेरा चैनल सनातन ज्ञान मंथन और सब्सक्राइब बटन और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूलें। इससे आपको हमारे चैनल से जुड़े सभी नए अपडेट मिलते रहेंगे। हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल सनातन ज्ञान मंथन में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के लिए काकभुशुंड जी की कथा लेकर आई हूँ। किस ऋषि ने दिया था उन्हें कौवे बन जाने का श्राप और किस प्रकार वह काकभुशुंड जी के रूप में जग में प्रसिद्ध हुए, तो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, संत तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के उत्तर कांड में लिखा है कि काकभुशुंड जी परम ज्ञानी राम भक्त हैं। रावण के पुत्र मेघनाथ ने राम से युद्ध करते हुए राम को नागपाश से बांध दिया था। देवर्षि नारद के कहने पर गरुण, जो कि सर्प भक्षी थे, नागपाश के समस्त नागों को प्रताड़ित कर राम को नागपाश के बंधन से छुड़ाया। राम के इस तरह नागपाश में बंध जाने पर, राम के परम ब्रह्म होने पर गरुण को संदेह हो गया। गरुण का संदेह दूर करने के लिए देवर्षि नारद ने उन्हें ब्रह्मा जी के पास भेजा। ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि तुम्हारा संदेह भगवान शंकर दूर कर सकते हैं। भगवान शंकर ने भी गरुण को उनका संदेह मिटाने के लिए काकभुशुंड जी के पास भेज दिया। अंत में काकभुशुंड जी ने राम के चरित्र की पवित्र कथा सुनाकर गरुण के संदेह को दूर किया। गरुण के संदेह समाप्त हो जाने के पश्चात काकभुशुंड जी ने गरुण को स्वयं की कथा सुनाई। पूर्व के एक कल्प में कलयुग का समय चल रहा था। उसी समय काकभुशुंड जी का प्रथम जन्म अयोध्यापुरी में एक शूद्र के घर में हुआ था। उस जन्म में वह भगवान शिव के भक्त थे, किंतु अभिमान पूर्वक अन्य देवताओं की निंदा करते थे। एक बार अयोध्या में अकाल पड़ जाने पर वह उज्जैन चले गए। वहां वे एक दयालु ब्राह्मण की सेवा करते हुए उन्हीं के साथ रहने लगे। वह ब्राह्मण भगवान शंकर के बहुत बड़े भक्त थे, किंतु भगवान विष्णु की निंदा कभी नहीं करते थे। उन्होंने उस शूद्र को शिव जी का मंत्र दिया। मंत्र पाकर उसका अभिमान और भी बढ़ गया। वह अन्य द्विजों से ईर्ष्या और भगवान विष्णु से देश करने लगा। उसके इस व्यवहार से उनके गुरु अत्यंत दुखी होकर उसे श्री राम की भक्ति का उपदेश दिया करते थे। एक बार उस शूद्र ने भगवान शंकर के मंदिर में अपने गुरु अर्थात जिस ब्राह्मण के साथ वह रहता था का अपमान कर दिया। इस पर भगवान शंकर ने आकाशवाणी करके उसे श्राप दिया कि हे पापी, तूने गुरु का निरादर किया है, इसलिए तू सर्प की अधम योनि में चला जा और सर्प योनि के बाद तुझे 1000 बार अनेक योनियों में जन्म लेना पड़े। गुरु बड़े दयालु थे, इसलिए उन्होंने शिव जी की स्तुति करके अपने शिष्य के लिए क्षमा की प्रार्थना की। गुरु के द्वारा क्षमा याचना करने पर भगवान शंकर ने आकाशवाणी करके कहा, हे ब्राह्मण, मेरा श्राप व्यर्थ नहीं जाएगा। इस शूद्र को 1000 बार जन्म अवश्य ही लेना पड़ेगा, किंतु जन्म और मरने में जो दुख होता है वह इसे कभी नहीं होगा। किसी भी जन्म में इसका ज्ञान नहीं मिटेगा। इसे अपने प्रत्येक जन्म का स्मरण बना रहेगा। जगत में इसे कुछ भी दुर्लभ नहीं होगा और इसकी सर्वत्र अबाध गति होगी। मेरी कृपा से इसे भगवान श्री राम के चरणों के प्रति भक्ति भी प्राप्त होगी। इसके पश्चात उस शूद्र ने विंध्याचल में जाकर सर्प योनि प्राप्त की। कुछ काल बीतने पर उसने उस शरीर को बिना किसी कष्ट के त्याग दिया। वह जो भी शरीर धारण करता था उसे बिना कष्ट के सुख पूर्वक त्याग देता था। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र को त्याग कर नया वस्त्र पहन लेते हैं, प्रत्येक जन्म की याद उसे बनी रहती थी।
श्री रामचंद्र जी के प्रति भक्ति भी उसमें उत्पन्न हो गई। अंतिम शरीर उसने ब्राह्मण का पाया। ब्राह्मण हो जाने पर ज्ञान प्राप्ति के लिए वह लोमश ऋषि के पास गया। जब लोमश ऋषि उसे ज्ञान देते थे तो वह उनसे अनेक प्रकार के तर्क कुतर्क करता था। उसके इस व्यवहार से कुपित होकर लोमश ऋषि ने उसे श्राप दे दिया कि जा तू कौआ बन जा। वह तत्काल कौआ बनकर उड़ गया। श्राप देने के पश्चात लोमश ऋषि को अपनी इस श्राप का पश्चाताप हुआ। उन्होंने उस कौए को वापस बुलाकर राम मंत्र दिया तथा इच्छा मृत्यु का वरदान भी दिया। कौए का शरीर पाने के बाद ही राम मंत्र मिलने के कारण उस शरीर से उन्हें प्रेम हो गया और वे कौए के रूप में ही रहने लगे तथा काकभुशुंड जी के रूप में इस विश्व में विख्यात हुए। तो फ्रेंड्स, आप सभी को हमारी ये कथा कैसी लगी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी ये कथा रोचक लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक व शेयर ज़रूर करें। अगर आपने हमारे चैनल सनातन ज्ञान मंथन को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हमें दें इजाज़त। बाय बाय फ्रेंड्स।